हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं और इसमें 153 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, 153 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया उसका सही जवाब क्या होगा बताइए। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन है, सी ऑप्शन। 2001 में टाटा स्टील और सेल के संयुक्त उद्यम के द्वारा जो है, यानी 50-50% इसमें जो है, ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनी। ठीक है, किनके सहयोग से? तो टाटा स्टील और सेल के संयुक्त उद्यम के द्वारा। और इसका जो कारोबार है 3,50,000 करोड़ रुपए का है और यह स्टील का जो है ई व्यापार करती है। एम जंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पे स्वयं को जो है अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी बताती है, न कि सबसे बड़ी। अतः निश्चित रूप से एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, सुपर 301 संबंधित है। किससे संबंधित है? जो सुपर 301 है इसका संबंध मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंध है, तो डी ऑप्शन। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है जिसके तहत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 155 में आपको बताना है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? वह कौन सा उपाय है जो भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है, देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, निर्यातों पर अधिक कर, मतलब अधिक कर लगाना, तो डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। देखिए, आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपए का अवमूल्यन और आयातों पर अधिक कर लगाना आदि जो है भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम है। जबकि निर्यात पे अधिक कर लगाने से निर्यात जो है हतोत्साहित होगा, जो भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधरने के स्थान पर इसे और भी जो है असंतुलित करेगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका सही जवाब है आयात एवं निर्यात से, सी ऑप्शन। देखिए, एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतः एक वर्ष के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन, जिसमें समस्त आयात और निर्यात होते हैं, उनकी प्रविष्ट जिस विवरण या खाते में करते हैं उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी भुगतान संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? इसका सही जवाब होगा, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यानी भुगतान संतुलन जिसका मतलब कह सकते हैं, जिसके बारे में दिया गया, वो ए ऑप्शन में दिया गया, भुगतान संतुलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 158 है, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी भी जो है डिस्कशन किया है। तो एक देश के निवासी गण एवं विशेष जो है शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का इसमें जो है पूरा ब्यौरा होता है, आयात निर्यात को जो है इसमें संदर्भित किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 159 में आपको बताना है, भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? तो देखिए, जो भुगतान संतुलन में निहित होता है वह है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। इसके बारे में फिर से देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें जो होता है, यानी जो भुगतान संतुलन है इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण तीनों को सम्मिलित किया जाता है। दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात और अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात जो है इसमें सम्मिलित होता है। इन दोनों का लेन देन जो होता है भुगतान संतुलन यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसके चालू खाते को प्रदर्शित करता है, जबकि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 160 है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किससे जो है या किन किन से चालू खाता बनता है? तो भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे खाता बनता है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है व्यापार संतुलन और अदृश्य का संतुलन, पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन। भुगतान संतुलन के संदर्भ में कह सकते हैं जिनसे चालू खाता बनता है वह व्यापार संतुलन और अदृश्यों का संतुलन, सी ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत लेन देनों का दृश्य यानी निर्यात एवं आयात, इनका और अदृश्य लेखों के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। निर्यात तथा आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अदृश्य लेन देनों को पुनः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सेवाएं, यानी इसमें यात्रा, परिवहन, बीमा, अन्यत्र जो है शामिल न की गई सरकारी तथा विविध, जिसमें संचार, निर्माण, वित्त, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, रॉयल्टी, प्रबंध तथा व्यावसायिक सेवाएं शामिल है। दूसरा है आय, और तीसरा है अंतरण यानी अनुदान, उपहार और विप्रेषण आदि। तो ध्यान में रखिएगा, 161 है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। सही जवाब है भुगतान संतुलन से डी ऑप्शन। विदेशी व्यापार में आयात निर्यात दोनों ही सम्मिलित होते हैं, अतः इसे जो है आयात के गुणों से अथवा निर्यात के गुणों से संबंधित नहीं किया जा सकता है, जबकि विदेशी व्यापार गुणक यह बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितने गुना जो है वृद्धि होता है। भुगतान संतुलन एक विशेष समयावधि यानी एक वर्ष के लिए किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेन देन, यानी जिसमें विदेशी व्यापार भी शामिल होता है, इसका एक लेख है। तो मतलब कि एक विशेष वर्ष या एक विशेष यानी कि एक समयावधि एक वर्ष के लिए जो है किसी देश के अंतरराष्ट्रीय लेन देन जो होता है, इसमें मतलब कि इसमें विदेशी व्यापार भी शामिल होता है, इसका एक यह एक लेख है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। और 162 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक के जो है दी गई मुद्राओं का भारतीय रुपयों में उनके मूल्य के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा, यूएसए जो डॉलर है, यूएसए का जो डॉलर है, कनाडा का डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकांग डॉलर। तो जो इसमें जो क्रम दिया गया है, ए ऑप्शन क्रम सही क्रम है, और इसमें जो दी गई मुद्राएं हैं भारतीय रुपयों में उनके मूल्य के अवरोही क्रम है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक यूएसए डॉलर का जो वैल्यू है वह है 73.32 रुपये, और कनाडियन डॉलर का 60.27, न्यूजीलैंड का 53.30, और हांगकांग का जो है 9.44 रुपया। तो इस तरह से जो है प्रश्न काल के संदर्भ में जो वर्तमान में भी कह सकते हैं ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 163 में आपको बताना है आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपए के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना, इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि। इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक जो है आकर्षित करेगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपया में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी चालू खाते और पूंजी खाते पर जो है विदेशी पूंजी के भारत में आने और भारत से जाने का जो है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप होगा कि भारत के द्वारा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ जाएगा, और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी, और इसी कारण भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगस्त 1994 से चालू खाते पर रुपया जो है पूर्ण परिवर्तनीय है, यानी व्यापार खाता पर आंशिक रूप से यह जो है मार्च 1992 से ही परिवर्तनीय हो गया था। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में एस तारापोर की अध्यक्षता में जून 1997 में एक समिति गठित की गई। तो जिस समिति का नाम है यानी इस समिति के जो अध्यक्ष थे एस तारापोर थे, इनकी अध्यक्षता में 1997 में एक समिति जो है गठित की गई,
और जिसने कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की जो है संतुति की। मार्च 2006 में एस तारापोर के ही अध्यक्षता में पूंजी खाता पर जो है परिवर्तनीयता का खाका तैयार करने के लिए समिति सेकंड जो है गठित की गई, और इसमें जो है मौजूद पूंजीगत नियंत्रणों की समीक्षा के बाद 3 चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता के लिए एक व्यापक जो है पंचवर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की गई। और वर्तमान में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता नहीं है और विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत ही उदारवादी जो है नीति अपना रहा है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस समिति का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में आपको बताना है रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो रुपये के परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य है बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है। तो सही जवाब है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 165 में भी आपको बताना है कि वर्तमान में रुपए की जो परिवर्तनशीलता है इसका अर्थ क्या है। तो वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का जो अर्थ है इसका सही जवाब होगा, बताइए, इसका सही जवाब होगा रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। ठीक है, सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 166 में आपको बताना है कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब है 1994 से, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 167 में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन जो है सही है। तीन कथन है, पहला है अन अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह, दूसरा देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान, और तीसरा है इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति जो है कार्य करना। तो बताइए इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए पहला दूसरा जो कथन है सही है, तीसरा कथन गलत है। तो पहला दूसरा यानी ए ऑप्शन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप लोग जो है इसका रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 168 में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन सही है। इसमें भी तीन कथन है, पहला है भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, तीसरा स्वर्ण में, कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब है आप बताइए, इसका सही जवाब है मात्र जो पहला स्टेटमेंट है भुगतान शेष के चालू खाते चालू लेखा के संबंध में, यानी मात्र एक पहला। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 169 में आपको बताना है सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पीछे में इसके बारे में जो है डिस्कस किया था, उसी पे आधारित यह क्वेश्चन है और उसी पे जो है अब तक जो है हम लोग करीब 4-5 क्वेश्चन जो है रिपीट कर लिए हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारतीय रुपये को परिवर्तनीय कब बनाया गया था आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा चालू खाते में अगस्त 1994 में। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 170 है भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। तो सही जवाब होगा चालू खाता, बी ऑप्शन। 1994-95 के बजट में सरकार ने 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पे रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की जो है घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 171 है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। तो बताइए इसका सेम जवाब है जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। सही जवाब होगा पूर्ण पूंजी लेखा जो है सन परिवर्तनीयता, यानी बी ऑप्शन। जो तारापुर समिति, वहां पे भी मैंने बोला था कि इस समिति का नाम याद रखिएगा कि किस लिए जो है यह समिति गठित की गई थी। तो पूर्ण पूंजी लेखा सन परिवर्तनीयता जो है तारापुर समिति जो है इससे संबंध रखती है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने 20 मार्च 2006 को पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है यानी कैग जो है प्रवाह विनिमय दर यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लागू करने पर रोडमैप तैयार करने के लिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापोर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति की जो है नियुक्ति की गई थी।
इस समिति के गठन का उद्देश्य भारत में डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण और इसके लागू करने के समय के निर्धारण पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना था। समिति का कार्य जो है 1 मई 2006 से प्रारंभ हुआ। तारापुर समिति ने अपना रिपोर्ट 31 जुलाई 2006 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में पूंजी खाते में उदारीकरण को अगले 5 वर्षों में 3 चरणों में लागू करने की जो है प्रमुख सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। बताना है आपको कि भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह है कौन समिति। सेम क्वेश्चन है, तारापुर समिति। क्वेश्चन नंबर 173 में आपको बताना है, कथन ए दिया गया, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण आर, अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है पहला और दूसरा, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य गिर जाता है। यानी जो अवमूल्यन है, इसके कारण जो हमारे देश का मुद्रा है, रुपया है, अन्य यानी विदेशी मुद्राओं की अपेक्षा जो है इसका जो वैल्यू है इसमें गिरावट आ जाता है, जिसके कारण अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अवमूल्यन वाले देश के निर्यात में वृद्धि और आयातों में कमी हो जाती है। तो कथन कारण दोनों सत्य था, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 174 में आपको बताना है मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करके हमें बताइए कि 174 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं के तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना, मुद्रा के अवमूल्यन का जो अर्थ है ए ऑप्शन में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी से है। भारतीय रुपए का जो है अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। कब कब? 1949 में, 1966 में और 1991 में। ध्यान रखिएगा कब कब किया गया है, कितना बार किया गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको जो है यहां से मतलब कि पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 175 है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है। तो सेम क्वेश्चन है, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। क्वेश्चन नंबर 176 है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा गया है कि मुद्रा का जो अवमूल्यन है इसका क्या अर्थ होगा। तो मुद्रा अवमूल्यन का जो अर्थ है आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो आपको मालूम है। ठीक है, यानी विदेशी मुद्राओं की अपेक्षा जो देशी मुद्रा है इनका वैल्यू कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। मैंने बताया ना कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो 3 बार किया गया है। कब कब किया गया आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार कब बताइए, 1966 में, और तीसरा बार कब, 1991 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1949, 1966 और 1991। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करके आपको बताना है कि सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं, और जो इसमें दिया गया है, तीन दिया गया है, जो तीन स्टेटमेंट है, क्या क्या लिए जा सकते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन इसमें जो है इनके द्वारा लिए जा सकते हैं, यानी जो ये कार्यवाही है, यानी इस पे विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन जो पहला ऑप्शन में, मतलब कि बताइए पहला जो स्टेटमेंट है क्या यह सही है या नहीं। देखिए, इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। इसमें दिया गया उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिसमें देश में अधिक एफडीआई आए और एफआईआई जो है इससे अधिक निधि आए, यानी कौन सी क्रियाएं जो है चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है। तो पहला घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, और तीसरा जो नीतियां हैं उपयुक्त नीति है लागू करना जिसमें देश में अधिक एफडीआई और एफआईआई जो है इससे अधिक निधि आए,
इसको जो है मतलब कि चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक जो है यह हो सकती है, साबित हो सकता है। तो पहला और तीसरा डी ऑप्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चालू खाते का घाटा जो वस्तुएं हैं दृश्य मदे, और सेवाएं जो ये अदृश्य मदे हैं, यानी एक पक्षीय हस्तांतरण के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता निर्यात के तुलना में आयात का अधिक होना के कारण होता है। प्रतिकूलता के कारण, ध्यान में रखिएगा, प्रतिकूलता का मतलब यहां पे है निर्यात के तुलना में आयात का अधिक होना। तो चालू खाते का घाटा वस्तुओं और सेवाओं एवं एक पक्षीय हस्तांतरण के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता के कारण होता है। प्रश्नगत कार्यवाही में प्रथम और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा और आयात को कम करने, यानी क्योंकि इससे जो होता है स्वदेशी वस्तुओं और सेवाएं जो है, स्वदेशी सेवाएं सस्ती हो जाती है, विदेशी वस्तु और सेवाएं जो है इसकी अपेक्षा महंगी हो जाती है। तो इस प्रकार चालू खाते के घाटे को कम करने में यह सहायक हो सकता है। द्वितीय अर्थात निर्यात को मिलने वाले आर्थिक सहायता में कटौती निर्यात को हतोत्साहित करेगी और उनका मूल्य बढ़ाएगी, जो कि अपेक्षित नहीं है। तृतीय कार्यवाही जो है, देश में अधिक एफडीआई और एफआईआईएस जो है, इससे अधिक निधि आना, यद्यपि पूंजी जो खाते हैं इसका घटक है और यह जो प्राक्रांतर है, इसे चालू खाते के घाटे को मतलब कि जो चालू खाते का घाटा इसको कम करने में मदद करेगा। तो डी सही उत्तर इसके संदर्भ में सही होगा। चालू लेखा घाटा क्या है, कैड क्या है, आपको बताना है। तो चालू जो लेखा घाटा है, जो कैड है, इसका मतलब क्या है बताइए। देश के कुल निर्यात में कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, जो कैड है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 में आपको बताना है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन का जो परिणाम है वह देश के निर्यात को बढ़ाना और आयातों का घटाना। तो आयात क्या होता है, जब अवमूल्यन होता है तो निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है, यानी जो देशी मुद्राएं हैं इनका वैल्यू कम हो जाता है विदेशी मुद्राओं के अपेक्षा। ध्यान में रखिएगा, 181 नंबर जो क्वेश्चन है आपको बताना है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का जब अवमूल्यन करता है तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है वो है आयात इसका जो है महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, बी ऑप्शन। 182 में आपको बताना है कि क्वेश्चन है, एक देश जो है अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है अवमूल्यन का किसके संदर्भ में। तो व्यापार शेष को ठीक करने के संदर्भ में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अवमूल्यन का देखिए जो अर्थ होता है, किसी देशी मुद्रा का जो है जो कह सकते हैं विदेशी जो रुपया है, जो विदेशी मूल्य है, इसको कम कर देने से है। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलनता आ जाता है तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए नीति जो है, यानी अवमूल्यन का जो नीति है अपनाई जाती है। इससे क्या होता है, अवमूल्यन से आयात महंगे हो जाते हैं और उनमें कमी आती है, जबकि देश में उत्पादित वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती है और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में जो है यह सुधार मतलब कि सुधारक होता है अवमूल्यन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 में जो कथन ए दिया गया, आपको बताना है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कारण आ रहे, विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं जो होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। तो बताइए इसके संदर्भ में क्या सही है। तो देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। और विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है तो यह भी सही है। और जो आर है, ए का सही व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 184 में आपको बताना है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में आए आर्थिक संकट ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक गंभीरता से जो है दुष्प्रभावित किया है। इसका संकट का जो कारण है आपको बताना है क्या कारण है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, पश्चिमी मुद्राओं के तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिमूल्यन होना था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इसके संदर्भ में। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
1990 के दशक के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो उत्तरार्ध में दक्षिण पूर्वी एशियाएं जो है, एशियाई देशें जो है, एशिया देशें, इंडोनेशिया जैसे थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इसमें आए आर्थिक संकट का मूल्य जो है, इसके कारण आर्थिक संकट संकट का मूल कारण जो था वो पश्चिमी मुद्राओं के तुलना में स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिमूल्यन होना था। यानी 1990 के दशक के उत्तरार्ध में दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देशें हैं जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इनमें आए आर्थिक संकट का जो मूल कारण था क्या था? पश्चिमी मुद्राओं के जो पश्चिमी मुद्राएं थी इनकी तुलना स्थानीय मुद्राओं का लंबे समय तक अधिमूल्यन का होना था। इस मौद्रिक कुप्रबंधन और मुद्राओं के मूल्यों में सट्टेबाजी ने इस आर्थिक संकट को जो है खड़ा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 185 में आपको बताना है कि भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का जो अर्थ है आपको बताना है, भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का जो अर्थ है वो क्या है? देखिए, इसका जो अर्थ है वो है आपका कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा में, यानी किसी भी प्रमुख मुद्रा से जो है विनिमय किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी जो भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता है इसका जो अर्थ है सी ऑप्शन सही होगा। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से तात्पर्य जो है अन्य देशों से यानी शेष विश्व से वित्तीय परिसंपत्तियों में बिना किसी बाधा के बाजार आधारित विनिमय दर पर विनिमय किए जाने के अधिकार से। इसका तात्पर्य है मौद्रिक कोषों या वित्तीय परिसंपत्तियों के देश के भीतर आने और बाहर जाने से है। भारत में वैसी पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता तो नहीं है, पर विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में आरबीआई अत्यंत ही उदारवादी नीति अपनाया है, जो प्रभाव में पूर्ण परिवर्तनीयता का ही जो है एक तरह है। जैसे ईएफसी यानी एक्सचेंज ऑन फॉरेन करेंसी खाता का उदारीकरण, ईसीबी का विस्तार, एमएफ में विदेशी निवेश की अनुमति आदि, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 186 में आपको बताना है कि जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितना प्रतिशत किया गया था? तो सही जवाब है 20%। देखिए, जुलाई 1991 में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया था। सबसे पहले 1 जुलाई 1991 को 9.5% अवमूल्यन किया गया, इसके बाद 3 जुलाई और 15 जुलाई 1991 को 8.5% और 2% का अवमूल्यन किया गया। इस तरह से कह सकते हैं कि 1991 में रुपए का लगभग 20% जो है अवमूल्यन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 187 में आपको बताना है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? सही जवाब है 1991 से 92 के बीच। क्वेश्चन नंबर 188 में आपको बताना है, कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का जो प्रभाव नहीं है वह है इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मतलब कि सही जवाब है, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति नहीं होती है। क्योंकि क्योंकि देश में आयातित तो वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 189 में आपको बताना है कि गत दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे जो है सबसे अधिक भारत में सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है? गत दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने जो है सबसे अधिक भारत में सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है? वह आपका दूरसंचार क्षेत्र, डी ऑप्शन। देखिए, प्रश्नकाल के संदर्भ में जो विकल्प डी है आपका सही जवाब होगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 और मार्च 2021 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र क्रमशः हैं कौन-कौन? सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार और निर्माण विकास, एवं मार्च 2020-21 के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके बाद निर्माण, सेवा क्षेत्र, व्यापार और व्यापार। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1997 से वर्ष 2000 का
जो बृहत्तम भाग है, मतलब भाग गया है, बृहत्तम भाग गया है प्रत्यक्ष जो निवेश है। देखिए इसका जो है, जो बृहत भाग है वह सेवा क्षेत्रों का, यानी कि जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो बृहत्तम भाग है वह सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन। समझ में आ गया? देखिए 1997 से 2000 के अवधि में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश है इसका सर्वाधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र को प्राप्त हुआ था। अप्रैल से मार्च दो अप्रैल 2000 मतलब 2000 से मार्च 2021 तक भारत में अंतर प्रवाहित कुल एफडीआई का सर्वाधिक जो है हिस्सा सेवा क्षेत्र में आया, जबकि अप्रैल मार्च 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191 है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 में आपको बताना है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सेम क्वेश्चन है, जवाब आपको मालूम है, कमेंट करके हमें बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 193 में आपको बताना है कि वर्ष 2007 से 8 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे अधिक प्रवाह किस क्षेत्र में हुआ? तो सेवाओं में। क्वेश्चन नंबर 194 है, पिछले एक दशक में भारत ने निम्नांकित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया? सही जवाब है सेवा क्षेत्र। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 195 में आपको बताना है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? तो सही जवाब है सेवा क्षेत्र। सेम जवाब सेम क्वेश्चन, बिहार में देखिए अप्रैल जून 2018 के दौरान सेवा क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को जो है आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 196 में आपको बताना है वर्ष 2005 से वर्ष 2006 में भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हुआ? तो आपको बताना है कि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह किस स्रोत से सबसे ज्यादा हुआ? तो सही जवाब है पोर्टफोलियो निवेश से, बी ऑप्शन। देखिए प्रश्न काल के संदर्भ में बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। 31 मार्च 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो वर्ष 2020 में यानी अप्रैल दिसंबर तक और वर्ष जो है 2019 अप्रैल दिसंबर तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो है रहा, जो इस अवधि के दौरान 40.8% और 31.1% रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान पोर्टफोलियो निवेश का जो योगदान था वो था कितना, 28.9% और 15.1%। तो याद रखिएगा न्यू डेटा के अनुसार 2020 और 2019 इसमें भारतीय विदेश जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रहा, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 197 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह जो है भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है वह आपका डी ऑप्शन, अनिवासी भारतीय जमाएं, और बताइए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, डी ऑप्शन यानी बी एवं सी दोनों। देखिए विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेश है और अनिवासी भारतीय जो जमाएं हैं भारत में व्यापार दर के भिन्नता के परिणाम स्वरूप अंतर प्रवाहित होती है। इनका उद्देश्य है बाजार दर की जो भिन्नता है इसके आधार पर लाभ अर्जित करना, परिणाम स्वरूप होता है ब्याज दर में भिन्नता के समाप्त या प्रतिकूल होने पर इनका बहिर प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मुद्राओं के इसी स्वभाव के कारण इन्हें उड़नशील मुद्रा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो मोटी मोटी बातें हैं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 198 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें जो है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? तो देखकर बताइए, जो इसमें चार स्टेटमेंट दिया गया है इसको आप ऑब्जर्व करिए और फिर बताइए कि जो यह स्टेटमेंट है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी या नहीं, कौन होंगी और कौन सा नहीं।
देखिए इसका जो सही जवाब होगा, मतलब कि जो पहला ऑप्शन दिया, सॉरी पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां या भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी या नहीं, तो यह होंगी, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, और जो तीसरा स्टेटमेंट है, विदेशी कंपनियों के द्वारा अनन्य रूप से जो है वित्त पोषित कंपनियां, तो पहला दूसरा तीसरा डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए किसी विदेश कंपनी जो जो फॉरेन कंपनियां हैं, इनके द्वारा किसी अन्य देश में अपनी सहायक कंपनियों की स्थापना करना और अन्य देशों की कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी पूंजी यानी इक्विटी के रूप में लगाने सहित, लगाने के साथ साथ विदेशी कंपनियों के द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 199 है, वर्ष 2010 के अंत में भारत पर जो है विदेशी ऋण पार हो चुका था कितना डॉलर, तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है 2010 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण जो है पार हो चुका था, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा और इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे ये 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग न्यू डेटा को इसमें जो है डिस्कस करेंगे, प्रश्न काल के संदर्भ में बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। लेकिन 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए, तो भारत पर विदेशी ऋण जो ऋण भार है भारत पर दिसंबर के अंत में 2020 में जो है 2020 के अंत में दिसंबर में 563.5 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर के अंत यानी 2020 के अंत के स्तर पे अगर बात किया जाए, सितंबर के अंत तक 2020 में ही तो 556.7 बिलियन डॉलर से यानी 6.8 बिलियन डॉलर अधिक है। तो 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत पर विदेशी ऋण भार दिसंबर के अंत में 2020 में ही 563.5 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर अंत 2020 के स्तर पर 6.8 बिलियन डॉलर अधिक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, दो कथन है। पहला कथन है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी तत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। दूसरा है, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला और दूसरा, इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। कैसे? देखिए भारत का अधिकांश विदेशी ऋण जो है सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी जो सतत्व है इनके ऋणी होने के द्वारा है, इंटिटीज के द्वारा है। मार्च 2021 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए, तो दिसंबर के अंत 2020 में भारत का कुल विदेशी ऋण का जो भार था 563.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें सरकारी ऋण 106.2 बिलियन डॉलर और गैर सरकारी ऋण 457.3 बिलियन डॉलर का था। भारत के विदेशी ऋण में घटकवार सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्यिक उधारियों का मतलब रहा, इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है, अमेरिकी डॉलर में मूल्य वर्गित ऋण भारत के बाहर ऋणों का सबसे बड़ा घटक बना रहा है, इसकी हिस्सेदारी जो है दिसंबर अंत में 2020 में 51.9% का था, जिसके बाद इस संदर्भ में क्रमशः भारतीय रुपए यानी 33.1%, जापानी येन जो है 5.8%, एसडीआर 4.6 और यूरो जो है 3.6% का स्थान था, तो कथन दो भी असत्य हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 201 में आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा का जो प्रारक्षित भंडार है कितना है। 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित जो भंडार है इसमें कितना है, कितना करोड़ रुपया है, तो देखिए 28,55,882 करोड़ रुपया है, डी ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात किया जाए, तो 8 जनवरी 2021 तक कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार जो है 586.1 बिलियन डॉलर का था, जबकि 7 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 588 यानी 588 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो कह सकते हैं कुछ बढ़ोतरी हो गया। पहले जो आर्थिक समीक्षा था इसने जो पहले अनुमानित किया था, यानी इसको कह सकते हैं कि इसके अनुसार, इसके डेटा के अनुसार जो भंडार था, जो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार होता 586.1,
लेकिन जब रिजर्व बैंक के द्वारा जो डेटा जारी किया गया उसके अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार जो था कितना था, 588 बिलियन डॉलर। तो ध्यान में रखिएगा, और इसी क्वेश्चन के साथ अपना सेशन को जो है आज का समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 202 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और ट्विज ग्रुप का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिए जो कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।